हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। आज हमारे रेस्टोरेंट पर इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। एक इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे आए हुए हैं। अब जो आप लोग को शिकायत थी ना कि यहाँ पे बड़ा अंधेरा लगता है, हम लोग को दिखता नहीं है, हम डर के मारे चले जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, वो सारे जो शिकायतें थी ना बाबा ने, वो सब शिकायतें आप लोग की ख़त्म कर देंगे आज से। यहाँ पर भी एक लाइट लगा है, देखो यहाँ पे तो नीम का आप लोग झाड़ देख रहे हैं ना, राउंड राउंड करके यहाँ पे एक मस्त डिस्को लाइट कहते हैं ना इसको, शायद डिस्को डिस्को लाइट कहते हैं, जो मतलब कलरफुल लाइटिंग आती है, पूरा एकदम चमकेगा हमारा रेस्टोरेंट। इधर ये हो जाएगा और एक लाइट ना इधर लगाएंगे तो उसका फोकस उधर जाएगा। तो आप समझ जाना भैया, नीम के झाड़, जो नीम का झाड़ है यही माई जी का रेस्टोरेंट है। और ये जो चमक झमक दिखेगा रात को, तो ये माई जी का ही रहेगा। और उधर जो लाइट जाएगी ना, इधर एक ही लाइट आपको दिखेगी मात्र, वो हमारे ही रेस्टोरेंट की लाइट रहेगी। तो आपको इस लाइट के फोकस में इधर आ जाना है। बाकी तो आपने देखा एक मंजिले का है यहाँ पर, ऊपर दो रूम मिल जाएगा और वो रूम आप ही लोगों के लिए है। आप लोग आके रेंट पे यहाँ पे रह सकते हैं। और बाय बाय गोपाल अंकल। तो ऊपर दो रूम है, तो रूम में आप लोग रह सकते हैं। नीचे रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं हमारा, ये जो है अभी यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग सब चल रहा है। इसमें भी पल देखो, अभी हमारे पास एक ही लाइट थी, उसी के सहारे खाना बनता था, उसी के सहारे सब चल रहा था। लेकिन अब इधर भी लाइट हो जाएगी, उस वाले शटर, उधर शटर लगा देंगे तो वो भी एक दुकान रेडी हो जाएगी। तो उधर एक लाइट आ जाएगा, इधर एक लाइट आ जाएगा और एक कमरा हो जाएगा। अभी तो हम रहते हैं, आप लोग भी आके उसी में रहेंगे तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और इधर ट्यूबलाइट भी आगे लगा दिया है, ठीक। इसमें भी पंखा लगा दिए हैं, गर्मी में जब आप लोग आओगे खाना पीना बनाने के लिए तो आप लोगों का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि आप लोग ना गर्मी में नहीं, आप लोग को हवा मिलते रहे, उसमें काम होते रहेगा। उसमें भी पंखा लगा दिए, कभी अगर आप लोग को सोना होना है, कभी आप लोग गर्मी के समय में आते हो तो उसमें भी आपको पंखा मिल जाएगा। बाकी दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी उतनी व्यवस्था हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम टीन में डाल नहीं पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं ना ईटा मंगा के, जैसे ये बाउंड्री की हुई है ना, ये दीवार ऐसे करवा दें तो क्या होगा, सामान का अंदर का, अंदर का अंदर सामान भी रहेगा। और जो लोग धड़धड़ धड़धड़ अंदर घुस जाते हैं वो घुसना भी आप लोग का, मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ। एक जो होता है ना, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए, बाहर वालों के लिए, सब लोग आप किसी को मना भी नहीं कर पाते हैं, क्या करें। तो एक ऐसा रहेगा ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ अंदर जाना मना है, पूरा आएंगे नहीं। ऐसे दीवार थोड़ा सा ऊपर ऊपर करवा देंगे तो किचन टाइप हो जाएगा ना, तो उसमें हम लोग कुछ बना भी सकते हैं, ठीक। जब जब व्यवस्था होगी हमारे पास तब इधर करेंगे, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं। और एक दिन में आराम से हो जाएगा है ना भैया, करेंगे हो जाएगा। काउंटर वहाँ पे है। तो आज जो है ना, आज 15 दिसंबर है और हमारे जो बाबा हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वो गए बेंगलोर। थोड़ा दुखी हूँ मैं, दुखी थी, लेकिन बाबा थोड़ा बैलेंस कर दिए हैं तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखो साफ सफाई पूरी चल रही है, इसके अंदर पंखा लग गया, आइए दिखाती हूँ आप लोग को। अंदर पंखा लग गया, यहाँ मक्खियाँ बहुत थी, लेकिन वो बाबा ने उनको ही भगा दिए। एक आध हफ्ते से मक्खियाँ नहीं आ रही हैं। इधर पंखा भी लग गया है और अब ये सोच रहे हैं कि टेबल को इधर कर दें और सामान इधर रख के खाना इधर बनाएं। और यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा रहे हैं, ये जो बोर्ड आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे ना पीसने का व्यवस्था हो जाएगा। जब मिक्सर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे एक ही व्यवस्था हो गई, मतलब ये पूरा कमरा हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा दिखाती हूँ मैं आप लोग को, जय बाबा की, जय बाबा की। और ये वाला जो देख रहे हैं काउंटर, ये अपना तो है ही, यहाँ पे लगा देंगे शटर। फिर यहाँ पे जो भैया यहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे सो जाएंगे, उनको पंखा लग जाएगा और यहाँ पे भी कुछ सामान आ जाएगा, मतलब सब सेट। यहाँ पे देखो भैया अपना वायरिंग का काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बोर्ड लगा है, सबसे बेस्ट, अच्छा हो गया। यहाँ पे इधर पी सकते हैं, इधर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं ना, ये अच्छा हो गया। ये भी हो गया, ये बाथरूम आप देख रहे हो ना, उसमें भी लाइट लगा रहे हैं। ये क्यों भर दिए हो क्या, पूरा फुल तो नहीं भरी हूँ शायद मैं इसको। अरे यार फुल नहीं भरी थी, ये दवाई नहीं था, ये दवाई नहीं था।
थे ऊपर ही था। चाय नहीं मिल पाएगा क्योंकि ना आज दूध खत्म हो गया है। आज चाय नहीं मिल पाएगा क्योंकि ना कि काम चल रहा है ना दुकान पे, इसीलिए कल आइएगा, आज कहीं और जुगाड़ कर लीजिए। ठीक, अब ऐसा होगा कि अब आप दिन में कभी भी आएंगे तो यहाँ चाय मिलेगा, मिल जाएगा आपको। वही व्यवस्था कर रहे थे, देखिए गरम गरम करने के लिए, गरम रखने के लिए ये भी ला दिए। दिखाओ दिखाओ, ये देखो हमने ले लिया है थर्मस, थर्मस ही कहेंगे ना इसको। हाँ हाँ थर्मस, अब 2 लीटर का है ये। अब आप लोग कहते थे ना चाय चाय अच्छी चाय, कई लोगों को तो पता ही नहीं, तो इधर आ ही नहीं पाते, तो आप लोगों को दरबार के सामने इडली के साथ साथ में चाय मिल जाएगी। ठीक, तो इडली भी खाओ चाय भी पियो, सुबह आपका नाश्ता एकदम हेल्दी नाश्ता आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये भी छोटा है। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आप लोग के पास इसका अगर बिजनेस है तो आप हमें थोड़ा हिसाब से पैसे ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा कम रेट में, थोड़ा बड़ा मिल जाए ना तो बड़ी हेल्प हो जाएगी हमें। ठीक, सेवा ही है, थोड़ा सा हेल्प आप लोग कर दीजिए। अभी जितना था हमारे पास व्यवस्था, उसके हिसाब से हमने लिया छोटा सा।